नमस्ते, पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है और उसे चीन से कर्ज की जरूरत है। बगैर चीनी सहायता के पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से नहीं निकल सकता है, लेकिन इस्लाम के नाम पर बने इस तैमन छाप देश ने अब चीन से ही पंगा ले लिया है। मदरसा पैदाइश ने एक ऐसा कांड कर डाला है जिससे चीन आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान में इस निंदा के आरोप में एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। यही नहीं, पाकिस्तान के जाहिलों ने पहले चीनी नागरिक को जमकर पीटा और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप करके उसे बचा लिया है और उसे हेलीकॉप्टर से कोमिला पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। मदरसा पैदाइश ने चीनी शिविर पर हमला भी किया है जिसमें कई चीनी नागरिक बुरी तरह घायल हुए हैं। यह सारी घटना बलूचिस्तान प्रांत के कोहिस्तान के इलाके में हुई है। यही वह जगह है जहां 2021 में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 9 चीनी इंजीनियर माओ घाट पहुंच गए थे। इस घटना के बाद चीन बुरी तरह बिफर गया है। दासू डैम पर कार्यरत चीनियों को तुरंत काम छोड़ने को कहा गया है। साथ ही चीनियों को वापस स्वदेश लौटने का आदेश भी दिया गया है। चीन ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी भी की है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में जाहिलों ने कारकोरम हाईवे को जाम कर रखा है। साथ ही जाहिलों की भीड़ कोमिला पुलिस स्टेशन के बाहर भी इकट्ठा हो गई है। वह चीनी नागरिक को अपने हवाले करने की मांग कर रहे हैं। भीड़ का कहना है कि उसने मुसलमानों के अल्लाह का अपमान किया है और उसे किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। भारी संख्या में लोगों के एकत्र होने से इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया है। वहीं पुलिस ने चीनी नागरिक के खिलाफ इस निंदा कानून की धारा 295C के तहत केस दर्ज कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त चीन बुरी तरह फंसा पड़ा है। चीन ने करीब $60 अरब पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर खर्च करने का प्लान बनाया है। कई साल से यह प्रोजेक्ट चल रहा है और अब तक इस पर $40 अरब खर्च हो चुके हैं। CPEC का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान प्रांत से होकर गुजरता है। यहाँ बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLA की हुकूमत चलती है और यह संगठन पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। पिछले साल BLA ने चीनी इंजीनियरों को दासू डैम प्रोजेक्ट साइट पर ले जा रही बस को उड़ा दिया था। इसमें 9 चीनी इंजीनियरों समेत कुल 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद पिछले साल ही कराची यूनिवर्सिटी में चीन की महिला प्रोफेसर की वैन पर BLA की महिला फिदायीन ने हमला किया था। इसमें 6 लोग मारे गए थे, इनमें से 5 चीनी नागरिक थे। चीन की दिक्कत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने BLA से हाथ मिला लिया है, जिससे चीनियों पर खतरा कई गुना बढ़ गया है। पिछले साल चीन ने पाकिस्तान में बिजनेस कर रही चीनी नागरिकों के नाम एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि चीनी बिजनेसमैन फिलहाल अपने कारोबार बंद कर दे। आतंकी गुट चीनी नागरिकों को ही टारगेट कर रहे हैं और उन्हें सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान में है। दरअसल आतंकी संगठनों को लगता है कि चीनी नागरिकों की वजह से उनकी कम्युनिटी या इलाकों को नुकसान हो रहा है और उनके कारोबार छीने जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के तैमदों में भी आग लगी पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की कर्ज की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया है। IMF पाकिस्तान से चीन समेत उसके मित्र देशों से वित्तीय मदद की गारंटी चाहता है। ऐसे में अब एक और बड़ा कांड हो गया है और चीन का पारा हाई लेवल पर पहुंच गया है। इन हालात में सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जो इस वक्त पाकिस्तान की मदद कर सकता है। हालांकि हमेशा की तरह चीन की शर्तें पूरी तरह सीक्रेट है और इन्हें पहले की तरह जनता को नहीं बताया जा सकता है। खासकर CPEC को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। IMF ने पाकिस्तान से वह ब्यौरा मांगा है जिनमें चीन से शर्तों के तहत लोन लिया गया है, परंतु पाकिस्तान सरकार को डर है कि अगर IMF को यह बता दिया गया कि चीन से उसने कितना कर्ज और उसे किन शर्तों पर लिया है, तो चीन उसको नया कर्ज नहीं देगा और पाकिस्तान बिना तैमंद के गधैया नर्तक करता नजर आएगा। लेकिन अब चीनी नागरिक की गिरफ्तारी चीन और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक विवाद की वजह बन सकती है। कहा जा रहा है कि चीन ने मदरसा मुल्क को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, वरना उसे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यही नहीं, चीनी नागरिकों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है।
पाकिस्तान में चीनियों की जान आफत में फंस चुकी है। मदरसा मुल्क के मुल्ला खतरनाक और हिंसक हो चुके हैं, यानी अभी मुसलमान आतंकी चीनियों के दुश्मन थे, अब पूरी मदरसा पैदाइशी चीनियों के खिलाफ खड़ी हो गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।